एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमैटिक टेस्ट करेक्शन मिला अब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है पेपर वर्क पे नहीं हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं हम डिजिटल तब से से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने देखने लगी अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूं और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी नहीं अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था लेकिन जब बात टीचिंग की हो तो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता अब होगी नए जमाने की नई स्कूलिंग टीचमेंट पे आई जी साइनअप करें टीशमेंट डॉट कॉम इंस्टीट्यूट पे और बनाए अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। नमस्कार साथियों आपका दिन मंगलमय हो और आज आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बी एस एफ ट्रेडमैन भर्ती में आप लोग किस ट्रेड से अपना फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपको जो सीट मिलनी है वो कंफर्म हो जाए यानी मुकाबला कम रहे और सीट भी ज़्यादा हो तो इस प्रकार से हम बात करेंगे कि आपका जो बी एस एफ ट्रेडमैन भर्ती में आप किस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करें और इसके लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें करेंगे इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ में आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस भर्ती से आने वाली हर एक अपडेट आपको समय पर मिलती रहे और एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि इसकी पी भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो सके अब मैं आपको यहाँ पर इस लिस्ट में दिखाने वाला हूँ कि किसकी कितनी पोस्ट है और किसके लिए आप अगर आवेदन करते हैं तो आपका जो नौकरी लगना बी एस एफ का सपना आपका साकार हो सकता है अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो कोबलर है इसकी टोटल 88 पोस्ट है आपकी सिटी ट्रेलर की है यहाँ पर फोर्टी सेवन है लेकिन आपके जो कुक की देखो यहाँ पर पोस्ट है वो आठ सौ सत्तानवे पोस्ट है भाई उसके बाद में डब्ल्यू सी की आप देख सकते हो ये पाँच सौ दस पोस्ट है और एक आप डब्ल्यू एम की भी देख सकते हो तो ये यह आप यहाँ पर तीन सौ अड़तीस पोस्ट है यानी कि ये जो तीन पोस्ट यहाँ पर दी यह गई है अच्छी खासी पोस्ट है इसके बाद में यहाँ पर देखो एक और अच्छी खासी पोस्ट दी गई है यहाँ पर आप देखो स्वीपर की स्वीपर की यहाँ पर छः सत्रह पोस्ट दी गई है आप यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको किस पोस्ट से अप्लाई करना है इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो और ज़्यादा पोस्ट नहीं दी गई है लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं फॉरम और सच में आपका नौकरी करने का मन है तो आप लोग अभी से तैयार हो जाओ और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा आप करते रहे ताकि आपका जो फॉर्म है ना तो रिजेक्ट होगा आपका क्वालिटर आएगा और उसके बाद में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है इसकी क्योंकि मैंने इसका तीन बार ट्रेड टेस्ट पास किया है दो बार इसका टेस्ट भी पास किया है तो दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में पूरी क्लियर बात बताता रहूँगा कि मैंने कब पास किया था कब नहीं किया था मैंने दो हजार उस समय दोनों समय दोनों साल लगातार बढ़ती आई थी तो उस समय मैंने पास किया था और मेरे साथ का एक स्टूडेंट्स है वो आज भी वहां पर नौकरी कर रहा है तो मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि यहाँ पर जो तो चार पोस्ट है अच्छी खासी निकली हुई है आप फॉर्म लगाना चाहते हो तो आप यहां पर लगाइए कुक्ष डब्ल्यू सी ओ डब्ल्यू एम से या फिर आप लगाइए यहाँ पर बारबर आप बारबर से भी देख सकते हैं जो बारबर है वो बारबर से लगा सकते हैं क्योंकि तीन पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है बी में तीन पोस्ट बहुत ही ज्यादा सॉरी बारबर की जो है वो एक पोस्ट है और यहाँ पर डब्ल्यू की तीन पोस्ट दी गई है तो आपको चार तो यहाँ पर ये यह दी गई है और आप इनमें से किसी पर भी पोस्ट लगा सकते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर लगा सकते हैं कारपेंटर से तो आपका जो कारपेंटर है नहीं कारपेंटर नहीं सॉरी स्वीपर स्वीपर की भी अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर दी गई है आपको इसके बाद में अगर आपके पास में इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है आपने आई टी आई कैसे किया इलेक्ट्रीशियन है या आपको एक्सपीरियंस है इसके बारे में तो आप एक्सपीरियंस बनाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं इसकी जो पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर टोटल चार पोस्ट है इसलिए ज़्यादा आवेदन भी नहीं आएंगे क्योंकि चार पोस्ट को देख कोई आवेदन भी नहीं करेगा इसलिए आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आपकी जो किस ट्रेड से आपको फॉर्म लगाना है क्योंकि चार या पांच पोस्ट ऐसी है जिस पर आपके लिए बहुत सारी सीटें हैं तो आप देख सकते हो देखो बार बार ओ के लिए यहाँ पर चौन पोस्ट है, अलग अलग भी दी हुई है आप देख सकते हैं लेकिन कुक के लिए यहाँ पर यू आर ई डब्ल्यू एस ओ तो ओ की भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चौवन पोस्ट दी गई है ओ की और यहाँ पर ओबीसी बी सी की दो पोस्ट यानी इतनी ज़्यादा पोस्ट ओबीसी की जैसे आप यहाँ पर देख लेते हो कि बहुत बड़ी भर्ती निकलती है तो उसमें भी ओबीसी बी सी की दो पोस्ट मिलना है वो आपके लिए मुश्किल होता है इसलिए आप इस पोस्ट के लिए यानी जो भी आपकी एज है अट्ठारह से तेईस ईयर ईयर दी हुई है तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि इसमें आपका जो फिज़िकल रहेगा कोई इतना टफ़ नहीं रहेगा और ना ही आपका टेस्ट इतना टफ रहता है एक बार आपस में आप लोगों से करवा कर देखा जाएगा अगर आप बार बार से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो स्टूडेंट से आपस में कटिंग या सेविंग करवा के देखा जाएगा बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें और आप लोगों को बता देता हूं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले क्योंकि इस भर्ती के फॉर्म लगने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी जय हिंद जय भारत जय जय राजस्थान